पूरी तरीके से दिखाता है कि बिहार सरकार के जो बोर्ड के पेपर्स बना रहे हैं, इन लोगों का पढ़ने लिखने से कोई मतलब ही नहीं है। वास्तविकता में क्या सवाल पूछना चाहिए, क्या सवाल ये लिख रहे हैं, किसी तरीके का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, किसी तरह की कोई जांच पड़ताल नहीं हो रही है, और आउट ऑफ कोर्स, आउट ऑफ सिलेबल या हंसी मजाक उड़ा देने वाला ऐसा सवाल ये लोग पूछ रहे हैं। तो निश्चित रूप से सरकार की मंशा तो हम लोग देख ही रहे हैं कि पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं है। अभी हम लोगों को थोड़ी उम्मीद जागी थी जब सचिव चेंज हुए थे, के पाठक जी ने कुछ एक्शन लिया था, लेकिन उसके बाद देख रहे हैं कि इस तरह से जो काम चल रहा है ये किस सरकार के दबाव में, या तो पढ़े लिखे सचिव भी इसमें साथ दे रहे हैं या ये क्यों हो रहा है, ये हमारे समझ से भी परे है। देखिए, ये दोनों सवाल जो आप पूछ रहे हैं ये एकदम ही जो ये लोग काम कर रहे हैं, यानी कि राजद के जो मंत्री जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं और जो सरकार के ये जो पेपर्स बना रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यही दोनों लोग एक तरीके से अपना ही मजाक उड़ा रहे हैं। समाज के सामने इस तरह की बातें बोलना, ये कह देना कि माँ दुर्गा काल्पनिक है, क्या आप सभी लोगों की जो भावना है उससे आप खिलवाड़ कर रहे हैं? आप जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म फॉलो करते हैं, आप उन लोगों के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं? दो समुदाय या दो धर्म के जो लोग हैं उन लोगों के बीच में इस तरह का मानसिकता फैलाना चाहते हैं जिससे वो लोग लड़े झगड़े और आप वोट की राजनीति करें? तो ये तो राजद और जदयू की जो घिनौनी राजनीति हो रही है, इसका पूरी तरीके से हम विरोध करते हैं और हमारे साथ साथ तमाम जनता, बिहार की पूरी जनता इसका विरोध करती है, और आने वाले चुनाव में इसका नतीजा भी दिखेगा। जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं वो बहुत गलत है और बहुत ही घटिया राजनीति कर रहे हैं। जैसे इस इंडिया गठबंधन में कि जिस तरह से आरजेडी और कांग्रेस की नजदीकियां बढ़ रही है और जेडीयू को किनारे किया जा रहा है, ऐसे में क्या लगता है कि जेडीयू फिर एनडीए के पाले में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जदयू से दोबारा समझौता नहीं कर सकती। हमने ये ठान लिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो 2025 में होगा उसमें बिहार में अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भी बनाएंगे और सरकार भी बनाएंगे। जहाँ तक बात ये है कि कांग्रेस आरजेडी के से सट रही है, जदयू को साइडलाइन किया जा रहा है, तो पहले ही बता दें, ये जो आईएनडीआई अलायंस है ये पूरी तरीके से नेतृत्वहीन है। जहाँ पर रावण के तरह 10 सर लगाकर ये लोग घूम रहे हैं और सोच रहे हैं सब लोग लीडरशिप कर पाएंगे, तो ये क्वालिटी मुझे किसी भी नेता में नहीं दिखती है जो कि ऑपोजिशन का रूप आज के वक्त में धारण कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये लोग आपस में ही लड़ भिड़ के अपना ही सर्वनाश करने के लिए तैयार हैं। ओके, थैंक यू।